दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीजी टूल शेयर करने वाला हूँ। इस टूल का न्यू वर्जन अपडेट होकर रिलीज हो चुका है। इस टूल की सहायता से आप लोग आल ब्रांड्स के काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन का पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर पाओगे, FRP अनलॉक कर पाओगे, MA अकाउंट अनलॉक कर पाओगे, आप लोग मोबाइल फ़ोन को फ्लैश भी कर पाओगे। ये टूल 100% वर्किंग है, आपके सभी विंडो में अच्छे से काम करेगा। इस टूल को आप लोग भी यूज कर सकते हो। इस टूल को यूज करने के लिए आप लोगों को मेरा ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। अगर आप लोग वीडियो को कहीं से भी स्किप करोगे तो हो सकता है ये टूल आपके PC या कंप्यूटर में ओपन ना हो या फिर मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने के टाइम कोई भी एरर देखने को मिल जाए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों मैं इस टूल को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग टूल को वन क्लिक से डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से एक जिप फाइल देखने को मिलेगी। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले अगर आपके PC या कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस रन कर रहे तो एंटीवायरस को डिसेबल कर लेना। एंटीवायरस डिसेबल करने के बाद जो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड की है इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे इस प्रकार के फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करना। इसके अंदर भी आपको दो सेटअप देखने को मिलेंगे। आपको मेन सेटअप को भी एक्सट्रैक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करने के टाइम एक पासवर्ड एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको इस फाइल के अंदर पासवर्ड मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। इस प्रकार से आपको पासवर्ड डालना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ इसलिए देखने को मिल रहा है। यस टू ऑल करता हूँ, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये पासवर्ड आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको मेन सेटअप को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद कीजन को एक्सट्रैक्ट करना होगा। बिल्कुल वन क्लिक से ये टूल आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इस प्रकार के एक फोल्डर में आ जाएगा। डबल क्लिक करना है, फोल्डर ओपन करके मेन सेटअप को आपको इनिशियल कर लेना है। यहाँ से आपको यस करना है। यस करने के बाद ये इनिशियल होने के लिए आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको मेन सेटअप को नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इनिशियल करना है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना और इनिशियल के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे टूल कंप्लीट इनिशियल होने में स्टार्ट हो जाएगा। इसको इनिशियल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। फिनिश करने के बाद दोस्तों डेस्कटॉप पर आपके इस प्रकार से एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको रन एज एडमिन में आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना। ओपन करने के बाद दोस्तों यस कर देना। यस करने के बाद अब थोड़ा सा वेट करना। इस प्रकार से एक छोटा सा लोडर ओपन होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहां से आपको स्टार्ट सर्वर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग स्टार्ट सर्वर के ऊपर क्लिक करोगे नीचे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको चिंता नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना। उसके बाद टूल ऑटोमेटिक ओपन होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो अगर कोई एरर देखने को मिल रहा है तो एंटीवायरस एक बार चेक कर लो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, अभी इसको इग्नोर करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर ये आ रहा है तो एंटीवायरस को ठीक से डिसेबल कर दो। जैसे ये टूल आपका इस प्रकार से ओपन हो जाए, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हम इस टूल को ऑफलाइन यूज करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर ये इस टूल को रजिस्टर्ड करने के लिए बोलेगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। आपको कैसे करना है, आप लोग यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना। इसको आपको जो हार्डवेयर आईडी है पूरा इसको कॉपी करना है, ठीक से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देना। जो टूल आपने एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर में कन्वर्ट किया था, अब इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको जो कीजन देखने को मिल रहा था, अब इसको डबल क्लिक करके आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इस फोल्डर को भी ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको एक कीजन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना और इसको रन एज एडमिन में आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, कीजन ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपको इसको यस कर देना है। यस करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो कीजन है वो ओपन होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब कीजन में आपको टूल को रजिस्टर करना होगा। कैसे करना है, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, वीडियो को स्किप मत करो। इस प्रकार से जैसे ये कीजन ओपन हो जाए यहाँ पर आपको हार्डवेयर आईडी को ठीक से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी की जनरेट हो जाएगी। की को अच्छे से यहाँ से क्लिक करके कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अब इन सबको आपको क्लोज कर देना या फिर मिनिमाइज कर देना। अब दोबारा से टूल को ओपन करना और जो कीजन अभी आपने कॉपी किया है
यहाँ पर आपको ठीक से इसको पेस्ट करना होगा। जैसे आप लोग पेस्ट करोगे उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना, टूल आपका ऑटोमेटिक लॉगिन होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा, कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब इस टूल को आप लोग यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको टूल देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको काम कैसे करना है, फर्स्ट मिलेगा क्यूसी अनलॉक। क्यूसी अनलॉक में आने के बाद यहाँ पर आप लोग क्वालकॉम सीपीयू के काफ़ी सारे फोन वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। इसमें काम कैसे करना होता है, मानो वीवो का कोई भी फ़ोन आपके पास आ गया, ब्रांड सेलेक्ट करना, मॉडल सेलेक्ट करना। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद अपने फ़ोन को ईडीएल मोड में कनेक्ट करके एक बार यहाँ से पोर्ट को चेक कर लेना, रिफ्रेश करके यहाँ पर आपका क्वालकॉम ड्राइवर शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यूज़र लॉक को रिमूव कर सकते हो, पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो, आप लोग FRP अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप लोग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो पैटर्न पिन पासवर्ड FRP लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमारा कोई भी फ़ोन कनेक्ट नहीं है इसलिए नॉट फाउंड का एरर देखने को मिला, अगर आपका कनेक्ट होगा तो अनलॉक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड हैं जिनमें आप लोग काम कर सकते हो। मानो Xiaomi का कोई भी फ़ोन आ गया, मॉडल सेलेक्ट करो, अगर आपके फ़ोन पर पैटर्न पिन पासवर्ड MA अकाउंट कुछ भी लगा है तो आपको सबसे पहले फ़ोन को ईडियल मोड में कनेक्ट करना है। अगर FRP लॉक है तो आप लोग गूगल अकाउंट FRP इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग FRP को अनलॉक कर सकते हो। अगर MA अकाउंट लॉक लगा है तो आप लोग MA अकाउंट रिमूव इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग MA अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सभी मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, आपके काफ़ी सारे फ़ोन अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फास्टफूड में बूट लोडर अनलॉक करने को मिल रहा है, आप लोग सेकंड मेथड से भी बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, फास्टफूड से ईडल मोड में रिबूट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इन सबको एक एक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा क्यूसी फ्लैश, आप लोग क्वालकॉम सीपीयू के काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन फ्लैश कर पाओगे। यहाँ पर आपको ब्रांड देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करो, उसके बाद मॉडल सेलेक्ट करो, अपने फ्लैश फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, अपने फ़ोन को ईडल मोड में कनेक्ट करने के बाद फ्लैश के ऊपर क्लिक कर दो, इससे आपका फ़ोन फ्लैश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हैंग एंड लोगो रीस्टार्ट प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। इसमें भी काफ़ी अच्छे क्यूसी रीड में आना है, इसमें भी आप लोग फ्लैश कर सकते हो, इसको भी एक एक करके देख लेना। MediaTek में आने के बाद आप लोग MT के CPU के काफ़ी सारे फ़ोन का पैटर्न पिन पासवर्ड FRP MA अकाउंट जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूनिवर्सल देखने को मिलेगा, आप लोग फ्लैश भी कर पाओगे। आपके जो भी मोबाइल फ़ोन हैं अगर हैंग एंड लोगों रीस्टार्ट हो रहे हैं तो उनको फ्लैश कर सकते हो। एक एक करके फाइल को सिलेक्ट करना, यहाँ से फाइल सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश कर लेना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सल में आपको मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने को मिलेगा, और ऑटो अनलॉक में आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप फोन को अनलॉक कर सकते हो। फॉर्मेट डेटा करके पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा, इरीज FRP करके आपका FRP अनलॉक हो जाएगा, आप लोग सैमसंग FRP अनलॉक कर पाओगे, MA अकाउंट अनलॉक कर पाओगे। डायरेक्टली आपको ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर बैटिंग फॉर डिवाइस के लिए आ जाएगा, फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ कनेक्ट कर देना, आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इन सबको एक एक करके देख लेना। सैमसंग में यहाँ पर आपको FRP अनलॉक करने को मिल जाएगा, और आप लोग फ्लैश भी कर पाओगे, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इन सबको एक एक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। साइड लोड मोड में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आप लोग रेडमी नोट 8 का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, फास्टफूड मोड से ईडल मोड में रिबूट कर सकते हो, फैक्ट्री सेट कर सकते हो, MA अकाउंट और FRP को रिसेट कर सकते हो साइड लोड मोड के थ्रू, इसको भी देख लेना। ADP मोड में आने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इन सबको एक एक करके देख लेना। उसके बाद फास्टफूड में भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनको भी एक एक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। आप लोग Redmi 7 का जो MA लॉक है उसको भी रिमूव कर पाओगे, फ्लैश भी कर पाओगे। तो इस टूल में बस इतना ही है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग टूल को वन क्लिक से डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद टूल को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके इन्जॉय करो। अगर आप लोगों को डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो ग्रुप में मैसेज करना। दोस्तों इस टूल को यूज करने से पहले ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना, अगर आपके PC में ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो कोई भी फ़ोन आपका कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।